रेनो 11 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे वेट। तो आइए चले देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास Oppo Reno 11 वर्सेस Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 2020 का लेटेस्ट मॉडल है हमारे पास Samsung Galaxy S21 FE गाइस। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे Oppo Reno 11 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Samsung Galaxy S21 FE की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुई ओनली फॉर 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Oppo Reno 11 के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Samsung Galaxy S21 FE 5G की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फ़ोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Oppo Reno 11 और इसी Samsung Galaxy S21 FE के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है। और फ्रेंड्स दोनों ही फ़ोन के अंदर आप जो पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो यानी कि सिनेमेट। तो फ्रेंड्स इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G और इसी ओप्पो रेनो 11 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज, आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। अगर आप भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो, तो मैं आपको हार्डली रिकमेंड करता हूँ कि आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE लीजिए, क्योंकि ओप्पो रेनो 11 लेने के बाद आप कैमरा क्वालिटी में पछताओगे और उसका कोई मतलब इतना वाहियात तरीके से फोटोज़ क्लिक करता है जैसे आपने देखा होगा जिस प्राइस ब्रैकेट में ओप्पो रेनो 11 आता है, उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उसका कैमरा क्वालिटी। नो डाउट उसके अंदर आपको ब्राइट फोटोज़ वगैरह मिलते, बट वो भी कुछ काम के नहीं। डायनामिक रेंज वगैरह इतनी भी अच्छी नहीं है जैसे कि आपने देखा ही होगा, और भी बहुत सारी वीडियोज़ है वो भी देख लो। मैंने एक में भी किसी भी वीडियो पे तारीफ़ नहीं की ओप्पो रेनो 11 की, और होता क्या है कि सेल्फी कैमरा जो है वहीं से आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो लिपसिंग भी मैच नहीं होता है। वो भी आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो। ओप्पो रेनो 11 के अंदर ये प्रॉब्लम है ही, अदरवाइज सैमसंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। कर्व डिस्प्ले है ओप्पो रेनो 11 के अंदर, बट ऑल ओवर देखा जाए लॉन्ग टर्म यूज़ करने तो आप सैमसंग की तरफ जो जा सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जहाँ पे किसी की तारीफ करनी पड़े किसी की बुराई, मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। चॉइस इज योर्स गाइज, आपकी क्या नीड है क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कोई भी एक स्मार्टफोन जो परचेस कर सकते हो। तो अभी कैसे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।